ये हम हैं, ये जर्मनी है और ये बर्फबारी हो रही है। खत्म हो गई अब तो। एक ही बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतने दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली पेपर से बिजी था और इतनी स्नोफॉल हो रही थी ना पिछले दिनों में। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। और हमारा एक पेपर भी कैंसिल हो गया, हमने यूनिवर्सिटी जाकर पेपर देना था, वो कैंसिल हो गया। सोचें, इतनी बर्फबारी थी कि सारे रास्ते वगैरह सब ट्राम्स ब्लॉक हो गई थी। और अब जाके टेम्परेचर कुछ एबनॉर्मल से नॉर्मल हुआ है और हम निकले हैं और पेपर्स भी दिए हैं अभी ऑनलाइन ही। सो और अभी हम जा रहे हैं डीएचएल पाकिस्तान स्टेशन पे पार्सल भिजवाने के लिए। और इसकी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, ऊपर लिंक दिया होगा, आप जाकर देख सकते हैं एज यूजुअल। और बहुत फ़ायदा यार इसका, अगर फर्ज करें, अगर आपकी आखिरी डेट प्रोडक्ट रिटर्न करवाने की वापस अगर संडे है ना, तो आप संडे को सारी जो शॉप यहाँ पे क्लोज होती हैं, कुछ भी नहीं खुला होगा डीएचएल वगैरह, तो आप सिंपल जाके पाकिस्तान स्टेशन में जाके रख दें और आपका रिटर्न जो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब शाम को मैंने जाना है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, हलाल शॉप चिकन वगैरह लेने के लिए। सो काफ़ी लोगों ने मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि हलाल शॉप्स के बारे में दिखाओ कि कैसी शॉप्स हैं। सो मैंने कहा क्यों ना मैं जा ही रहा हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ, उसका पूरा विजिट दे दूँ आपको कि क्या क्या मिलता है और कहाँ से मिलता है, और बस आपको देखने का मज़ा आएगा। सो मिलते हैं रात को। पाकिस्तान और इंडिया वगैरह से आते हैं ना, उनको ये चीज़ तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। खूब ये किस्म की रोटियाँ होती हैं, मतलब ये आप ठंडी या गर्म जिस तरह मर्जी खा लें। तो ये आई थिंक 0.60 सेंट्स का एक पैकेट है मतलब, तो और इसमें 6 होती हैं और ये काफ़ी अच्छा, लेकिन काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। और आधी से ज़्यादा आवाम जो है ना, 80% आवाम इसी पर जिंदा रहती है, मतलब कोई इतनी मेहनत नहीं करता घर में आके आटा वगैरह गूंद के खुद बनाए, तो सब यही प्रेफर करते हैं। अभी जो बंस है ना, बर्गर बंस वगैरह, ये आपको कॉफी और रिजिका से भी मिल जाएंगे, पर उसमें अल्कोहल का मतलब रोमा वगैरह होता है जो कॉफी वगैरह से मिल जाते हैं। पर ये जो है ये बिल्कुल उनके हलाल शॉप से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली ये बिल्कुल हलाल हैं, तो आप ये बिला फिक्र जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। चिकन जो है अभी, क्योंकि हम आज ना हफ्ते की नाइट को आए हैं, सैटरडे नाइट को आए हैं, तो सारी चीज़ें ना खत्म होने वाली हैं, चिकन मीट वगैरह सब लोग, क्योंकि सैटरडे को सब आ जाते हैं, क्योंकि कल संडे होता है, तो सब कुछ लेके चले जाते हैं। खूब्स कम हुए हुए हैं, चिकन खत्म हुआ है, तो चिकन इसलिए हमने इतनी वीडियो नहीं बनाई। पर यहाँ पे मेरी नेटिव चिकन भी मिल रहा होता है बोनलेस, वो आप सिर्फ घर लेके जाएं, आपने बेक करना है और वो जस्ट डन है, इन्होंने मसाला लगा के रखा होता है ना। और बाकी जो सिंपल बोनलेस चिकन होता है वो आई थिंक 5 यूरो पर केजी का मिलता है, और जो बोनलेस के साथ लेग पीस होते हैं ना वो मिलते हैं आई थिंक 1.5 यूरो पर केजी का है, जो बोनलेस जो लेग पीसेज होते हैं, वो जो पाकिस्तानी टैंग को लोग मिस करते हैं ना, वो इसमें ये सारा मतलब ब्रांड चेंज है, मतलब फ्लेवर्स वही हैं, स्ट्रॉबेरी, लेमन, पाइनएप्पल, ये सब पड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं खजूरें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये बड़ी जिस तरह ये रखी हुई हैं, अगर आप रोज़ों में ये यहाँ पे आए ना, तो इतनी खजूरों की वैरायटी होती है, मतलब तरह तरह की, लेकिन बस रोज़े आने वाले हैं तो आप देखिएगा कि पूरा ना, मैं एक दफ़ा फिर आऊँगा रमज़ान में, रमज़ान से पहले, सो फुल खजूरों से ना वैरायटी भरी होगी यहाँ। शुरू में जब मैं आया था ना पाकिस्तान से, तो हमें इतना मसला हुआ था ना कि मुझे पता था कि धनिया पुदीना का ना डिफरेंस क्या होता है, धनिया पुदीना में जरा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, ये देखें जरा, अब जी और जी, अब इसमें ज़रा सा फ़र्क है, अब इसमें से एक धनिया और एक कुछ और चीज़ है ना, वो अजीब सी स्मेल होती है, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये धनिया नहीं है। पाकिस्तान होते हैं ना, सब मुझसे रिलेट करेंगे इस बात को कि पाकिस्तान में जब घर में आप सब्जी लेने जाओ, तो घर अम्मी कहती थी कि धनिया और पुदीना फ्री में साथ ले आना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इतना पुदीना जो है ये 1 यूरो का मिलता है। सो ये वो नहीं है कि फ्री में, जो अरसान ये कहते थे अरसान, मेरी अम्मी ने तो भी नहीं कहा। नहीं, लोग कहते हैं ना, कहते हैं पुत्र धनिया पुदीना फ्री च ले आई, ये यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ ये ना 1 यूरो का मिलता है, इसलिए हम ये लोग कम कम लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना खराब हो जाता है, काला हो जाता है, या तो आप पेस्ट बना के रख लें। ओ हाँ, ये हमारे चावल पर महमूद राइस, ये मैं ले भी लेता हूँ एक महमूद राइस, तो ये पर मैं, और ये काफ़ी अच्छे चावल हैं, मतलब मैं यहीं से लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ से जाके लेता हूँ, ये सबसे अच्छे क्वालिटी चावल हैं। मैंने बिरयानी की जो रेसिपी बनाई थी अपने चैनल पे, मैं आप ऊपर जाके लिंक दिया हुआ, देख लें,
तो वो बिल्कुल वो इन्हीं चावलों से बनाई थी, तो ये काफ़ी अच्छा चावल है। और प्राइस भी इनकी आई थिंक 2 यूरो पर के जी का पड़ता है ना। ये फुल जो मतलब फुल चिकन है, छोटे साइज़ के जो चिकन होते हैं ना, ये मतलब ये वो है पूरा चिकन है, मतलब ये मतलब पैक फ्रोजन है बिल्कुल। ये भिंडी की सब्ज़ी, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं फ्रोजन, भिंडी वगैरह जो फ्रेश नहीं मिलती, मतलब फ्रेश बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। जिन्होंने जॉब वगैरह पे जाना होता है, काफ़ी इनके पास जो ऑप्शंस हैं, ये सब कोफ्ते वगैरह देखिए, कबाब हर तरह के ना, बीफ के, हांशन के, चिकन के, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ अवेलेबल है। वो आपकी मर्ज़ी आप बनाएं, बर्गर में रख के खाएं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँगा, एक बात बताऊँ, शुरू में जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, तब एक दो दफ़ा खाए थे, तो बंदा दिल भर जाता है बंदे का ना, कि बंदा बोर लगता है कि क्या है किस चीज़ की। तो लेकिन आपको घर में तो बनाना पड़ेगा ही, ऑब्वियसली आप सीख कर ही आएँ, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये सेफ साइड के लिए, जल्दी जल्दी में जब आपकी जॉब पर जाना, तो ये बेस्ट है। तुर्किश में तई पड़ी और जितने मज़े की होती है ना ये वाली, ये हमारे कलीग ने इतना हमारे कलीग ने हमें गिफ्ट की थी, और जितने मज़े की थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सारी दालें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑरेंज दाल, येलो दाल, ब्लैक दाल, सारी दालें, मतलब जो आप अगर दालें खाने के शौकीन हैं, सिर्फ चिकन ही तो नहीं खाते रहना ना, आपने दालों को भी देखने, दालें भी खानी हैं, तो हर चीज़ का ना बैलेंस रख के चलना, वेजीज, दालें, चिकन, सब कुछ। तो जब भी आप इस शॉप्स वगैरह पे आ रहे हैं, इन शॉप्स पे, तो आपके पास ना कैश होना चाहिए। तो अगर 10 यूरो से ऊपर की आप चीज़ दे रहे हैं तो ओके है, लेकिन अगर आप 10 यूरो से कम की दे रहे हैं तो आपको कैश देना पड़ेगा, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। हमारे अपार्टमेंट की एक शॉप दूर ये शॉप है, और एक से एक शॉप आगे जो है ना कॉफलैंड है। तो हमें इतनी सहूलत है कि हमारे आसपास जो है ना दोनों चीज़ें हैं। तो आप भी जब अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो ये बात भी मेक श्योर करें कि आपके अपार्टमेंट के आसपास ही ना ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बस हम आए हुए अभी केक लेने, दोस्त का बर्थडे था, सो इतनी वैरायटी है, बंदा परेशान हो जाता है कौन सा वाला केक ले। फिर हमने फाइनली ये वाला केक जो है ना पसंद किया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। हम स्पेशली सिर्फ एक केक लेने के लिए आए थे, और मजे की बात देखें, आज ही केक पे ना ऑफर लगी हुई थी, और हमारी किस्मत चेक करें, और हम ये नहीं बताएंगे कितने का था, क्योंकि जिसकी बर्थडे उसको पता चल जाएगा। यह है स्पिनच, जिसे पालक भी कहते हैं, और ये पेस्ट बना हुआ मिलता है, आपने जस्ट इसमें सिंपल मसाले वगैरह डालकर आप बनाकर खाएं, देखें कितनी आसानी है, और क्या चाहिए आपको। सलामुअलैकुम सादा भाई, इतनी जल्दी में क्यों बताओ, आज चूंकि सेशन ही नहीं था, सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कल सब कुछ बंद होने वाला है, तो आज भी तक दुकान है, और अभी आधा घंटा रह गया ना बस दुकान बंद होने में। अभी बंद है, अगर अभी कुछ खरीद नहीं, कुछ ओके, तो ये सीन है। और अब तो कॉफलैंड में फ्रेश मिल्क भी मिलना शुरू हो गया है, और इसकी प्राइस 1.5 यूरो पर लीटर है। हाँ, अमेजोन में जॉब करने का एक फ़ायदा हो गया आपको, आपको इतने लोग मिलते हैं ना, आप नमाज पढ़ने जो इतने लोगों ने वहाँ पे काम किया था ना, कि सब आपको नजर आते रहते हैं, सो ये बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत जान पहचान हो गई है अमेजोन में जॉब करने से, है ना। सो गाइस, इससे ज़्यादा ना वीडियो नहीं बनती, दोनों हाथ जो है ना भरे हुए हैं शॉपिंग से, और बस ये था मैंने आपको दिखाना था हलाल शॉप का, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे कि हलाल फूड मिल जाता है आराम से कि नहीं, कि वाकई में इस तरह की बहुत सारी शॉप्स ना हमारे मागदीपुर में ही है, तो बड़े शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। हम एक दफ़ा जब भी बड़े वगैरह बड़े सिटीज़ में गए, आराम से ना अरबी शॉप्स ना मिल जाती हैं। सो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल, व्हिच इज इमरान सलीम। बाय बाय।